अस्सलाम वालेकुम। हिना की रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ नई टिप्स और ट्रिक के साथ एक होममेड पिज़्ज़ा बनाएंगे जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। ना इसमें ज़्यादा झंझट है, ना कुछ है, ना बाहर मंगाने की ऑर्डर है, आधा घंटा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें स्वीट कॉर्न लिया है, शिमला मिर्च ली है, गोभी ली, प्याज लिया हुआ है और गाजर लिए हुए हैं मैंने। ये मैंने सब एक एक कटोरी, छोटी कटोरी सब मिक्स करके लिया हुआ है। इसमें अभी हम हर्ब्स डालेंगे, लाल चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ी सी मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। सब मैंने होममेड ही मसाले यूज़ किए हुए, बाहर का कुछ भी मसाला मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हो इसमें सिर्फ मैंने जीरा पाउडर डाला हुआ है और चिली फ्लेक्स डाला हुआ है, और टेस्ट के अनुसार मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और सबसे मेन बात मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाली हुई है ताकि हमारे जो ये है सब्जियां हैं उसको एक अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए, इसीलिए बस मैंने इसमें ज़्यादा कुछ डाला नहीं है। अभी ये हम अच्छी तरह से पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसमें मैंने मेयोनीज डाल के मैंने ये किया, और ढेर सारा धनिया डाला है ताकि हमारा पिज़्ज़ा और भी अट्रैक्ट और भी अच्छा दिखे इसीलिए। तो ये सब हम सब्जियां अच्छी तरह से मेयोनीज में मिक्स करके लेंगे। ये देखिए इसमें मैंने ढेर सारा मेयोनीज डाला हुआ है, और ये सब्ज़ी हम पूरे इसमें अच्छी तरह से हर सब्ज़ी को कोटिंग चढ़े इसीलिए। ये देखो ऐसे पूरा कोट हर सब्ज़ी को चढ़ा है मेयोनीज का। आपके पास जो जो सब्ज़ी अवेलेबल होगी वो सब्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं, आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने टमाटर स्किप किया, वह डाला नहीं है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक 10 मिनट पहले गेहूं का आटा गूंदकर रखा हुआ था, और उसी की हम एक पराठा टाइप हम इसकी रोटी बेलेंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा हमें पतली भी नहीं करनी है और ज़्यादा हमें मोटी भी नहीं रखनी है। आप देख सकते हो सिर्फ सिंपल एक पराठा टाइप ही हमें रोटी बेलनी है और ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसको फोक से हम रोटी फूले ना, इसलिए फोक से हम उसको साइड से पूरे रोटी में हम स्टिक दे देंगे इसी तरह से, और अच्छी तरह से रोटी को बेल लेंगे। देखो मैंने ज़्यादा ही मोटा नहीं और ज़्यादा भी पतला नहीं इसी तरह से रखा हुआ है। अब देखो इसी तरह से हमें रख कर ये देखो मैंने डाल दिया तवा पर, और एक साइड हमें अच्छी तरह से भून लेनी है। एक ही साइड हमें जो नीचे वाली है वो साइड अच्छी तरह से भून लेनी है। ये मैंने देखो दूसरा भी पराठा रेडी किया हुआ है, और इसी तरह से हमें रोटी में ये फोक के दांत लगाने हैं ताकि हमारी रोटी फूले ना। इसी तरह से लगा ली है, ये देखिए ये लगाई, ये देखिए मेरी एक रोटी इधर से अच्छी तरह से भून चुकी है। अब ये रोटी है यहाँ पे हम बटर लगाएंगे। मैं पहले दोनों रोटी सेक लेती हूँ, दोनों रोटी मेरी सेक कर हो गई है। अभी जो ऊपर की जो थोड़ी सी कच्ची थी वहाँ पे हम बटर लगाएंगे। आपके पास कुछ भी हो, घी हो, बटर हो, अब कुछ भी लगा सकते हो। मेरे पास बटर था इसलिए मैंने बटर लगाया है, और ये बटर लगाकर जो बटर लगाई हुई चीज़ ये है वो हम नीचे कर देंगे सबसे मेन बात, क्योंकि वो हमें सेकनी है। ये देखिए इसी तरह से ये जो ट्रिक्स है, हमारे पास तो ओवन नहीं है ना, कुछ भी नहीं, तवे पे इतनी अच्छी टेस्टी और क्रिस्पी इतना अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है कि पूछो मत। खाने में भी इतना टेस्टी है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। ये देखो इसी तरह से इसके ऊपर पूरी सब्ज़ी मिक्स करनी है हमें, और हमें इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करना है। आपके पास चीज़, पनीर या फिर मोजरेला चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो आप इसके ऊपर ग्रेट कर सकते हो। मैंने सादा ही चीज़ इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ है, आप देख सकते हो। इसी तरह से पूरा चीज़ इसके ऊपर ग्रेट करना है, और कम से कम 5 से 7 मिनट हमें ढक कर रखना है, वो भी एकदम स्लो गैस के ऊपर, ताकि हमारा पराठा नीचे से क्रिस्पी हो जाए। अभी इसके ऊपर मैं एक चटनी बनाऊँगी, जो मेयोनीज़ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मेयोनीज लेके। एक्चुअली कोई कोई बेस के ऊपर वो चटनी लगाता है, लेकिन मैंने बेस पे लगाई नहीं है, मैं ऊपर से ही डालने वाली हूँ, क्योंकि खाने में भी हर बाइट में उसकी टेस्ट इतनी अच्छी आ जाती है कि पूछो मत। इसलिए मैंने बेस के ऊपर ये चटनी नहीं लगाई है। मैंने मेयोनीज लिया है, थोड़ा टोमेटो केचप डाला है, और मेरे पास थोड़ी सी शेजवान चटनी है, वो मैं मिक्स करके इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमें अच्छी तरह से पूरी मिक्स करके लेने, ये देखिए
ये इतनी अच्छी है और कलर भी कितना अच्छा है वहाँ, और टेक्सचर भी देखो आप, यही चटनी हमें चाहिए। और इधर हम देखते हैं जब तक हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया कि नहीं। देखिए कितनी अच्छी तरह से पिज़्ज़ा रेडी हो गया है और नीचे से पूरा क्रिस्पी हो गया है। अभी हम इसको धीरे से हम प्लेट में निकाल कर ले लेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा अच्छे से निकल आए। ये देखिए कितना टेस्ट, और चीज़ भी इतना अच्छा मेल्ट हो गया है उसमें। अभी मैं दूसरा पराठा उसमें रख देती हूँ धीरे से। ये इसी तरह से इसके ऊपर भी हम अभी नॉर्मली, ये मैं दूसरी तरह से बताती हूँ, ये थोड़ा सा हम सेक कर ले लेंगे फिर बाद में चीज़ इसके ऊपर डाल देंगे। यही टिप्स है कि मैं दोनों तरह बता सकती हूँ। ज़्यादा किसको मेल्ट वाला चीज़ नहीं चाहिए तो वो थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले पका ले, बाद में चीज़ डाल दे, और जिसको ऑलरेडी चीज़ मेल्ट चाहिए वो पहले डाल दे। ये देखिए इसके ऊपर मैंने ये चटनी डाली हुई है, सॉस जो बनाकर रखा हुआ था वो डाला हुआ है। देखो कितना अच्छा हमारा होममेड ही पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब देखो कितना अच्छा सा रेडी हो गया हमारा पिज़्ज़ा। वाह, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए ये रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ मेरी रेसिपी पसंद आए ना, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। ये देखिए मैं अभी इसको कट कर रही हूँ इसी तरह से। देखिए नीचे से इतनी अच्छी क्रिस्प आवाज़ आ रही है, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से। मोस्टली हमारी रोटी भी इतनी अच्छी पक गई हुई धीमी आंच के ऊपर कि बच्चों को इतना कि होममेड पिज़्ज़ा क्या ज़रूरत है हमें मैदा और ये सारे बच्चों को चीज़ें खिलाने की। कभी तो खा सकते लेकिन ये इंस्टेंट और 5 से 7 मिनट के अंदर हमारा होममेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर भी आया और हमारी पूरी सब्जियां भी दिख रही है और सुंदर सा कलर आया हुआ है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, आप देख सकते हो। यही ये देखिए अभी दूसरा मेरा जो पिज़्ज़ा है वो पूरा रेडी हो गया है। अभी जिसको मेल्ट नहीं चाहिए वो सिर्फ इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करके सिर्फ 1 से 2 मिनट रख सकते हो। ये देखिए मेरे बच्चों तो खा ही चुके हैं, इतना घर में हमारे पसंद आ जाता है। ज़रूरत ही नहीं है हमें घर में बाहर 250-300 रुपये वेस्ट करने की। घर में हमारी 5 रुपये में हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। आप देख सकते हो कितना टेस्टी और लाजवाब लग रहा है।